जहन दोस्तों, फौजी ने मारा मुक्का, यानी फौजी ने मार दिया। फौजी किसको मारता है? फौजी ने पुलिस वाले को मार दिया, फौजी ने टीटी को मार दिया, फौजी एक सूबेदार मेजर ने थाने में घुस के फौजी को मारा। ये न्यूज बनती है। आखिर इसके पीछे हकीकत क्या होती है कि फौजी ने कभी किसी गरीब को मारा? फौजी ने किसी भिखारी को मारा? फौजी ने किसी ठेले वाले, रेड़े वाले या किसी भी आम जनता, महिला, बुजुर्ग किसी को मारा? नहीं, कभी वो बहस भी नहीं करता, कभी बहस नहीं करता। अपनी सीट छोड़कर बुजुर्ग को दे देगा, लेडीज को दे देगा। इतनी रेस्पेक्ट करने वाली संस्था में रहने वाला एक जवान को इस तरह एलिगेशन लगाए जाते, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि उस जवान के ऊपर एफआईआर दर्ज की। यानी ये मामला 3 दिन पहले का है कि टीटी को ट्रेन में मारा। जब मारा, जब वो बार बार कह रहा है कि मुझे ये मत सिखाओ, सभ्यता मत सिखाओ, मैं सभ्यता में ही पला बड़ा हूं, मैं सभ्यता से पेश आ रहा हूं, आप आइए। जब वो तू तड़ाक करता है तो उसका पेशेंस जवाब दे जाता है, क्योंकि हमें बहस करना नहीं आता, हमें हुक्म मानना या हुक्म मनवाना आता है। हम बड़े सीधे और सच्चे लोग होते हैं। आपने चाहे मामला देखा होगा, एक एनएसजी कमांडो ने महाराष्ट्र में जब उसको जबरदस्ती कर रहे थे, मास्क नहीं लगाया, तो उसने जब इन लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, जब कपड़े फाड़ दिए तो भाई कौन नहीं मारेगा। फिर उसने क्या किया आप देख लीजिए, इसका पूरा बाहर आ रहा है थोड़ा। दूसरा जाकर के एक सूबेदार मेजर से रिटायर्ड बंदा है, उसकी गाड़ी के संदर्भ में थाने में जाता है और वो थानेदार किस तरह बात करता है और उसके ऊपर जूता मारने की धमकी देता है, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर ये वो पहले हाथ उठाता है, फिर आप एक मारोगे तो 10 तो मारेगा। कहां के उदाहरण नहीं दूं मैं आपको, जहां पर आप गलत आओगे और उसे मजबूर करोगे अपनी सम्मान के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, और फौजी के नाम पर ये तो आप उसको कलंकित करोगे, बोलोगे कि फौजी पागल होते हैं या फौजियों का कुछ पता नहीं होता है, इस तरह उसको जलील करोगे, तो इसी तरह हाथ उठ सकता है। मैं आज उस बंदे का बचाव कर रहा हूं कि जिस बंदे ने 2 दिन पहले ट्रेन में इस तरह हुआ, जीआरपीएफ ने उसके अगेंस्ट कार्रवाई किया, जो भी लोकल मीडिया उसने उसके अगेंस्ट कार्रवाई किया, उसने टीटी को कहा, टीटी पूरी यूनियन बना करके वहां बैठ जाता है अदालत के बाहर कि टीटी को न्याय दिलाओ। लेकिन फौजियों को कौन न्याय दिलाएगा? फौजियों के साथ इतनी बर्बरता होती है, इसके लिए कभी न्याय की बात उठी? किसी ने कहा जाकर रोडों के ऊपर, क्या कभी किसी ने सोचा कि इनके दिलो दिमाग में इतने अच्छे इंसान होते हैं, इन्हें मजबूर क्यों किया जाता है? क्यों? आपकी बात करने का तरीका कहीं को उनके दिमाग पर रोष दिला देता है। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि जिस जनता के, जिस देश की जनता के लिए मैं इतना प्यार करता हूं और उनके लिए जी जान से सारे काम करता हूं, वो हमसे इस तरह उल्टा बोले, वो सहन नहीं होता है। और ये कहीं ना कहीं सहन शक्ति का अभाव हो जाता है, इस तरह के इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।